हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन आपके बारे में क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं। ठीक है, इट मींस किसी से भी अगर बात करें, ठीक है, किसी से भी अगर आपका जिक्र हो जाए तो वो आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, चलें, वेट, मैं कार्ड सेलेक्ट कर लूँ। किस कार्ड से रीडिंग करनी है हमें? ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं। ठीक है, अगर हमें क्लारिफाई चाहिए होगा तो हम इस वाले से लेंगे। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या बात करते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सबमिट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें, आपके पर्सन आपके बारे में क्या कहते हैं, वो क्या बात करते हैं। लेट्स सी, अपने पर्सन को मेडिटेट करें और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले एंजल ओरेकल नहीं, ठीक है, एंजल ओरेकल नहीं, हम टैरो से चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या कहते हैं। ठीक है, चलें, आपके पर्सन आपके बारे में क्या कहते हैं। जब भी वो आपके बारे में किसी से भी बात करते हैं तो सबसे पहले वो क्या चीज़ कहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी आपके लिए अच्छा बोलते हैं, या आपकी कोई खामी की बात करते हैं, कोई नेगेटिव बात करते हैं, क्या बात करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ ओपन माइंड होके देखिएगा, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या बात करते हैं, क्या कहते हैं, जिनको भी पता है वो आपके बारे में उनसे क्या कहते हैं, कोई पूछता है तो वो क्या बोलते हैं। अपने पर्सन को मेडिटेट करें, आपके पर्सन आपके बारे में क्या कहते हैं। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर, ओके, मेरे व्यूवर के बारे में क्या बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है टू ऑफ सोल, आपके पर्सन आपके लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे। ठीक है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। टू ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेड, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। आपके पर्सन ने आपको लेकर हार्ट चक्रा ब्लॉक कर लिया, वो किसी को ये कहते हैं। ठीक है, टेन ऑफ सोर्ड, आप लोग के बीच कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ है, कोई ना कोई नेगेटिविटी आई है। ठीक है, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन कन्फ्यूज़ हो चुके हैं। आपके पर्सन बताते हैं कि चीज़ें शायद हमारे बीच दोबारा वैसी नहीं हो पाएंगी जैसे पहले थी। ठीक है, या तो वो लव, वो केयर वापस नहीं आ सकेगा जो शायद कभी पहले था हमारे कनेक्शन में, जैसा वो फील करती थी या करता था मेरे साथ, अब वैसा फील हम लोग शायद वापस दोबारा नहीं कर सकेंगे जो सब कुछ हो गया है कनेक्शन में। ठीक है, आपके पर्सन अभी कुछ अरसे में जो आप लोग के बीच सिचुएशन हुई उसको लेकर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, फाइव ऑफ सोर्ड की, फाइव ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिविटी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा जैसे कंफ्यूज एनर्जी, मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें आप लोग के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हैं, और ये बात आपके पर्सन इस चीज़ को बताते हैं कि चीज़ें हम लोग के बीच बहुत बुरे तरीके से एंड हुई है, ख़त्म हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है इस ब्रेकअप में, इस एंडिंग में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, कोई नहीं चाहता था, कोई थर्ड पर्सन, ठीक है, और लोगों की वजह से आप लोगों के बीच चीज़ें ख़राब हुई हैं। ठीक है, ये पर्सन आपके बताते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई आप दोनों के बीच, कोई और पर्सन आया, या किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी कि यहाँ पर कोई और है आपके पर्सन, जो आपसे आपको सही से वक्त और टाइम नहीं दे रहे, आपसे ओपन अप होकर कम्युनिकेट नहीं कर रहे, तो यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, उसके बाद आपके पर्सन ने यहाँ पर शायद आपको मनाने की कोशिश भी नहीं करी, अपनी क्लैरिटी देने की भी कोशिश नहीं करी, मतलब कि आपको लगा था ये पर्सन आपको क्लैरिटी देगा उस चीज़ को लेकर, उस कम्युनिकेशन को लेकर। ठीक है, कुछ रीसेंट पास्ट में आप लोग के बीच हुआ है जो ये पर्सन उस बारे में किसी से डिस्कस करा है उसने, मतलब के कुछ रीसेंट टाइम फ्रेम में। ठीक है, कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मुझे नहीं लगता कि चीज़ें कुछ आगे ठीक हो सकेंगी, शायद एक एंडिंग हो चुकी है और ये शायद अब कभी ठीक ना हो सके। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा कहते हैं, और किसी थर्ड पर्सन, मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व नज़र आ रही, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, और किसी के लिए सच में यहाँ पर थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व थी जो आपके सामने क्लियर कट हो चुकी है, जैसे आपके सामने क्लैरिटी आ चुकी है। आपके पर्सन भी जानते हैं कि जैसे आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है, शायद आपके पर्सन बार बार ये कोशिश कर रहे हो कि आप इस चीज़ को किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह समझें। ठीक है,
आपके पर्सन ये चीज चाह रहे हो कि आप इस चीज को, जो भी आप लोग के बीच हुई, आप इस चीज को एक मिसअंडरस्टैंडिंग की तरह समझे, इस कंफ्यूजन की तरह समझे। आपके पर्सन ने जो क्लैरिटी नहीं दी उसके उसके बाद आपके पर्सन ज्यादातर ये शो करना चाहते हैं आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी आपकी चीज सामने आई है कोई रियलिटी नहीं है, लेकिन एक क्लियर कट होकर उसके ऊपर बात नहीं कर रहे, कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे आपको, एक वन टू वन होके उस पॉइंट पर आके एक टेबल पे बैठ कर बात नहीं कर रहे फेस टू फेस के वो क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन किसी से यही कहते हैं शायद हम लोग के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कभी ठीक नहीं हो सकता, और आपके पर्सन कहते हैं कि मुझे होता हुआ भी दिखाई नहीं देता, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो चुके हैं, अब पास बहुत ज़्यादा एक बर्डन सम की तरह बन चुका है इस कनेक्शन के ऊपर, ठीक है। आपके पर्सन किसी रिसेंट पास की कोई ना कोई बात करते हैं ज़रूर, ठीक है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर जब भी कहते हैं तो किसी से क्या कहते हैं, वो क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं, ठीक है। अपने पर्सन को मेडिटेट करें, आपके पर्सन जब भी किसी से बात करते हैं इस कनेक्शन को लेकर तो क्या बात करते हैं। एक पेनफुल एंडिंग हुई है, आपके पर्सन को लगता है कि आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन को कोई पेन नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई, आपके पर्सन तो जानबूझकर कोई थर्ड पार्टी क्रिएट करी थी, लेकिन ये पेन जो आपने फील करा ये आपके पर्सन के अंदर भी देख पाती हूँ, ठीक है। मैं ये देख सकती हूँ कि आपके पार्टनर में, आपके पार्टनर मेल है या फीमेल है, ये पेन है, ठीक है, लेकिन वो कन्फ्यूज हैं, कोई गलती लिटरली उन्होंने की है जिसको वो चाह रहे हैं कि आप उसको लेट गो कर दें, ये आपके पर्सन को वो गलती को फेस ना करना पड़े और आप उस बात को भूल जाएं, ठीक है, उस बात पे फोकस मत करें, उस बात को छोड़ दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच हुआ है और किसी और पर्सन की वजह से हुआ है, किसी और आप लोगों के बीच प्यार है, एक पर्सन यहाँ पर खुलकर कम्युनिकेट नहीं कर रहा, एक पर्सन यहाँ पर खुलकर बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ की एक क्लैरिटी नहीं दे रहा, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, ये पर्सन बता रहा है कि अब उस, ये पर्सन शायद होल्ड बैक करता है, ये पर्सन मतलब के बता रहा है, ये जानता है, उस पर्सन को कह रहा है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रहेंगे, ठीक है, और ये आपके पर्सन की तरफ से नहीं है, ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं, आपके पर्सन चाह रहे हैं कि यहाँ पर इस उस चीज़ को उनको फेस ना करना पड़े, ठीक है। आप इस पर्सन से मैरिज करना चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे। आपके पर्सन जब भी किसी से बात करते हैं तो इस कनेक्शन के बारे में क्या बात करते हैं, मेरे व्यूअर के पार्टनर जब भी बात करते हैं इस कनेक्शन को लेकर तो क्या बात करते हैं। थ्री ऑफ सोट, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, पेनफुल एनर्जी है, थ्री ऑफ सोट की एनर्जी है, थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई स्ट्रांगली थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में आई थी, आपके पर्सन को उस टाइम समझ में आया, आपके पर्सन ने उसके साथ एक टाइम पास करा, आपको फॉर ग्रांटेड भी, आपके पर्सन एक्सप्लोर करने के टाइम पे थे, ठीक है, आपके पर्सन उस पर्सन को बता दें कि एक्सप्लोर करने के टाइम पे थे, लेकिन अगर ये बात अगर आपके पर्सन आपके सामने कन्फेस कर ले तो आई डोंट थिंक सो कि चीज़ें आप लोग के बीच बेटर हो सकेंगी, फ्यूचर देख सकेंगे। आपके पर्सन इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया किसी थर्ड सिचुएशन को लेकर किया और आपको ये पर्सन अब तक फॉर ग्रांटेड ले रहा था, आपको एक सीरियस वे में नहीं ले रहा था, ठीक है, इसने आपको फॉर ग्रांटेड थी, आपको वो वैल्यू, वो वर्थ इसलिए नहीं दी क्योंकि वो आपके लिए सीरियस नहीं था, आपको एक ऑप्शन, एक स्पेयर में लेकर चल रहा था, ठीक है। ये बात ये पर्सन कन्फेस नहीं करना चाहता आपके सामने, बताता है थर्ड पर्सन को कि इससे कोई ना कोई गलती हुई है, लेकिन उस गलती की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से ये कनेक्शन एंड हो चुका है। ये जानता है कि अब देखें, इसने बाहर एक्सप्लोर करा और बाहर के लोगों को एक्सप्लोर करा और अंडरस्टैंड करा कैसी दुनिया है, कैसे लोग होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ में आई है। आपके पर्सन जब भी किसी से बात करते हैं तो क्या कहते हैं, इस कनेक्शन को लेकर आपको लेकर क्या बात करते हैं। हाँ, क्वीन ऑफ फैंस, आपकी तारीफ भी करते हैं कि बहुत अट्रैक्टिव जीनियस, एक अच्छे दिल का इंसान, ठीक है, बहुत अच्छे दिल का इंसान, एक सही को सही, गलत को गलत, और बहुत ज़्यादा सेंसिबल पर्सन। आपके पर्सन ये भी कहते हैं कि वो समझ जाएगी, वो समझ जाएगा, अगर ये पर्सन आपके सामने आ जाए तो आप क्लैरिटी जान जाएंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। इस पर्सन को शर्मिंदगी है, इस पर्सन को रिग्रेट है, लेकिन आप इस बात को समझ जाएंगे। ये पर्सन कहना चाहता है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अगर ये आप लोग का आमना सामना हो जाए, अगर आप लोग कनेक्ट हो जाए एक दूसरे से, तो आप हर बात को क्लियर कट समझ जाएंगे, ठीक है। इस पर्सन ने वो किया था, लेकिन आप इसकी आंखों में एक शर्मिंदगी, एक एम्बैरेसमेंट, एक रिग्रेट देख सकते हैं,
ठीक है, ये पर्सन जब भी आपके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ रीसेंट पास्ट के बारे में आपसे आपके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो ये पर्सन जानता है कि ये पर्सन कहता है आप अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे घर से, एक अच्छे इंसान की तरह आप इसकी लाइफ में हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जानता है, उसको कहता है कि मिस्टेक मुझसे हुई है, मैंने गलती करी है, इस पर्सन को समझने में किसी ना किसी को पता है और किसी ना किसी से ज़रूर ही आपके बारे में बात करता है, ये आपकी आपकी लुक्स की, आपके आपके हर तरीके की, आप जिस तरीके से कनेक्ट होते हैं, मतलब कि जिस तरीके से आप ड्रेसिंग सेंस है, जिस तरीके से आप एक पर्सन है, ये जानता है, ये कहता है कि एक बहुत सेंसिबल, एक बहुत ज़्यादा, एक परफेक्ट पार्टनर, एक परफेक्ट पर्सन की तरह है वो इंसान, लेकिन मुझसे कुछ गलती हो गई है। आपके पर्सन क्या बात करते हैं आपके बारे में, जब किसी से भी बात करते हैं तो ये पर्सन क्या बात करते हैं, ये जो है ना, इतना इसके पास करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है आपके सामने आ सके, ठीक है। कुछ आप लोग के बीच यहाँ पर बुरे तरीके से जो एक डिमोलिश हुआ है ना, एक सब कुछ जो बर्बाद हुआ है, उसके बाद आपकी एक पर्सनैलिटी उभर कर आई है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में इस पर्सन ने कुछ न्यू चेंज, न्यू न्यू रंग देखे हैं, ठीक है। आप बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा, एक और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, बोल्ड पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा एक ज़बरदस्त आपकी लुक हो चुकी है, आप एक अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, ठीक है। होल्ड बैक करता है ये पर्सन, कहता है कि मैं नहीं बताता कि आज भी मैं उसको पसंद करता हूँ या मैं आज भी चाहूँगा अपनी ज़िंदगी को उस पर्सन के साथ देखना, ठीक है। जब भी किसी से बात करता है तो कोई एक ही पर्सन होगा जिसके सामने ये इतना ओपन होके बात कर रहा है, वरना ये ओपन अप अपने अंदर को होल्ड बैक करने वाला पर्सन है, ठीक है। अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को होल्ड बैक करने वाला पर्सन है, कभी भी खुलकर बात नहीं करेगा, ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। अगर इस पर्सन को मौका दिया जाए, ये पर्सन कहता है कि अगर नसीब ने, तकदीर ने, इसने सब एक डिवाइन पे एक छोड़ दिया, ठीक है, इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को डिवाइन पे छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, क्योंकि इसको नहीं समझ में आता इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। और आप ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन मेरे व्यूअर के बारे में क्या कहता है, ये पर्सन आपके पास आना चाहता है नाइट ऑफ सूट, जैसे सामने से इसको एडवाइस मिलती है, एक बार तुम जाओ और चीज़ों को डिस्कस करो और जो चीज़ें डिस्टर्ब हैं उनको ठीक करो, फिक्स करने की कोशिश करो, टीम वर्क करने की कोशिश करो, ठीक है। ये पर्सन चाहता भी है कि आपकी तरफ आए, एक टीम वर्क का ऑफर लेकर, ठीक है, क्लियर कट आपसे बात करे। जो इसको छुपाना है वो चीज़ तो ये फिर भी हाइड करेगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये आपके नेचर को जानता है, इसके पास दो रास्ते हैं, ये पर्सन जानता है, उसको कहता है कि भाई मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो कम्प्लीटली मैं सिचुएशन से वॉक अवे कर जाऊँ, इस सिचुएशन को ज़िंदगी भर के लिए एंड कर दूँ, इसके लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा, ठीक है। आप इसके दिल में एक जगह बना चुके हैं, आप क्या आपकी एक वर्थ और आपकी एक वैल्यू जानता है, आपका आपकी एक एक अपनी ही आपकी एक बात है जो इसके, ये आपको बहुत लंबे अरसे तक भूल नहीं सकता, अपने दिल से लेट गो नहीं कर सकता, आपको एक, इसको आपका एक नशा हो चुका है, एक ऑब्सेशन हो चुकी है आपको सोचने की, जो आपके साथ हुआ उसके ऊपर रिग्रेट करता है, लेकिन आप इसके सोचों में रहते हैं किसी भी तरीके से। ये सोचता है कि बोलता है कि मेरे पास दो रास्ते हैं, अगर अगर ये मैं इस इंसान, इस पर्सन के पास गया, अगर इसने मुझे एक्सेप्ट करा तो शायद हम लोग एक साथ आगे बढ़े, अदरवाइज मुझे इस सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है लाइफ में, आने वाले वक्त में कुछ ऐसे डिसीजन होने वाले हैं, ये पर्सन जानता है, आपकी लाइफ के, आपके लाइफ से भी और इस पर्सन की लाइफ से भी, मतलब कि किसी ऐसी जगह मूव कर जाएगा, या तो आप ऐसी जगह मूव कर देंगे, मैरिज की एज हो सकती है कि हमारे पास फिर वापस शायद ये मौका नहीं होगा एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने का। ये पर्सन जानता है कि आप मैरिज करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, आप सिंगल हैं, किसी के साथ कनेक्ट होने के लिए आप एक तैयार हैं, ठीक है, वो वाली एनर्जी आपकी, बिल्कुल। सिक्स ऑफ सूट, आप इस सिचुएशन को छोड़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, बताता है ये पर्सन, जैसे अब वो वाली बात नहीं रही, वो वाली चीज़ें नहीं रही, ये पर्सन चाहता है आपके साथ आगे बढ़ना, कम और की तरफ मूव करना, इसका ड्रीम है कि काश कोई ऐसा मौका, काश कोई ऐसा 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 हो जाए कि पास्ट रिमूव हो जाए, ठीक है, शायद हम कभी मिले ही ना होते, उस टाइम हम कभी एक दूसरे के सामने आए ही ना होते, ठीक है, आप लोगों का मिलना ही ना हुआ होता, और फिर आप लोगों की इसी टाइम से एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है, क्योंकि इसको मेचोरिटी अब मिली है, ठीक है, इसको अपनी लाइफ को लेकर राइट और रॉन्ग की पहचान अब हुई है, ब्लैक एंड व्हाइट की पहचान इसको इस टाइम हुई है, ठीक है।
टू ऑफ कप्स, देखिए ये इस पर्सन का ड्रीम है, ये पर्सन कहता है कि मैं दिल से तो चाहता हूँ इस सिचुएशन में एक बैलेंस हो, एक इक्वल बैलेंस हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप दोनों इक्वल बैलेंस चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनली ओपन अप होने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, और ये पर्सन भी जैसे आप इसको समझ में नहीं आ रहा जो हो चुका है, क्योंकि दोनों के मुझे यहाँ पर फेस पे एक मार्क्स दिख रहा है, जो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, कब दोनों के हाथों में, लेकिन एक दूसरे से कोई भी एक आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, सिमिलर पेज पर नहीं आ रहा, एक दूसरे के सामने नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। होल्ड बैक कर रहा है, बहुत चीज़ें होल्ड बैक कर रहा है, खुद को होल्ड बैक कर रहा है, अपना पैशन होल्ड बैक कर रहा है, जिस तरीके का पैशन, जिस तरीके का कनेक्शन फील करता है, बिल्कुल आपको शो ये कर रहा है सेवन ऑफ कप्स, जैसे होल्ड बैक कर रहा है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें जिसके ऊपर आप काम करना चाहेंगे, ठीक है, फर्दर अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आपके पास, ज़िंदगी में ऑप्शन हैं, आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें जिनके पर काम करना चाहेंगे, लेकिन उन लोगों में से ये एक पर्सन है जो दिल से आपको बहुत ज़्यादा चाह रहा है, ठीक है, कुछ क्लियर कट आपके साथ करना चाह रहा है, हेरोफेंट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा विजडम गेन हो रहा है, ठीक है, ये पर्सन लेट आया है जैसे दुरुस्त आया, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जब सब खत्म हो गया तब इसको विजडम मिल रहा है, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, एक एक एंडिंग हो चुकी है, ठीक है, सिचुएशन बुरे तरीके से ख़त्म हो चुकी है, आप जैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब हर चीज़ को समझ चुके हैं, ये पर्सन एटलीस्ट आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज बैक एंड फोर्थ एनर्जी में, लेकिन आपकी तरफ कोई अप्रोच लेकर आपको आपको जैसे एक एक अपॉलॉजी देना चाहता है, चाहे चीज़ें आगे बढ़े ना बढ़े, ठीक है, क्योंकि आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लर्निंग कराई है, आपकी वजह से ये पर्सन बहुत कुछ सीख रहा है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच, एक किंग ऑफ सोर्ड की एक सड़ू सी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच एनर्जी, कभी भी शो मत करना अपने अंदर जो है, जो भी चल रहा है हमेशा उसके ऊपर डिनायल पे रहना, ठीक है, इस इतना डिनाय करा इसने अपने अंदर की चीज़ों को, ये जानता था ये आपसे अट्रैक्टिव है, ये जानता था ये आपसे कनेक्टेड है, सिक्स ऑफ कप्स, ये भी जानता था कि आपके साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है, इसके पास क्लैरिटी है, लेकिन यहाँ पर आप इसको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा बर्डन सम सिचुएशन में आ चुका है, ठीक है, इसके ऊपर बर्डन है, एक्शन लेना चाहता है, लेफ्ट राइट, राइट रॉन्ग, आई डोंट नो, उसको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से अपनी इस कोल्ड डिटैच एनर्जी से बाहर निकले, अपनी आइस ब्रेक कैसे करे, इसको नहीं समझ में आता, ठीक है, ये जो भी पर्सन है किसी से बात करता है, लेकिन सामने वाला भी एडवाइस करता है, एक वन लास्ट चांस दो, ठीक है, अपने आप को, इस पर्सन को, इस कनेक्शन को, अगर तुम इतना चाहते हो, अगर तुम्हें अब रियलाइज हो चुका है, तो अब तुम यहाँ पर एक राइट एक्शन लो, एक राइट एफर्ट डालो, क्या पता चीज़ें स्टेबल हो जाए, ठीक है, क्या पता चीज़ें आप दोनों की एक दूसरे के हक में बेहतर हो जाए, ठीक है, ये पर्सन आपके बारे में क्या कहता है, लेट्स सी, देखते हैं ये पर्सन जब भी आपके बारे में किसी क्या बात करता है, क्या कहता है ये पर्सन मेरे व्यूअर के बारे में क्या बात करते हैं, किसी ना किसी से तो ये पर्सन ज़रूर बात करता, कोई एक पर्सन है जो इसको, जो ये आपको लेकर अंदर का हाल जानता है, ये पर्सन कहता है आप जा रहे हैं, ठीक है, आप सिचुएशन से वॉक अवे कर चुके हैं, आप डिटैच हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से निकलकर किसी न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहिए, न्यू स्टार्ट चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस चाहिए, ठीक है, आप इस पर्सन के लिए एक स्ट्रेंथ की तरह रहे, ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, शायद इसने आपको, आपको लगा हो ये आपको कंट्रोल करता, क्योंकि आपको जाने नहीं देना चाहता था, ठीक है, आपके लिए क्लियर भी नहीं था, लेकिन आपको आपसे हीलिंग, आपसे पीस, आपसे सुकून इस पर्सन को बहुत मिला, बता रहा है कि मुझे ऐसा पीस मिला जो मैंने कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा था, लेकिन इसने कंट्रोलिंग एनर्जी आपको जैसे एक मैनिपुलेट करके रखना चाहा, अपनी सही सच्चाई नहीं बताई, या तो जहाँ पर भी इन्वॉल्व था वो नहीं बताया, लेकिन इसको आपकी आपसे जो एक पीस, अट्रैक्शन, अपनी लाइफ में क्लैरिटी मिलती थी ना, वो बहुत ज़्यादा मिस करता है, ठीक है, हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, जानता है इसने आपका भी दिल तोड़ा है और आपका दिल तोड़कर इसने अपना दिल तोड़ा है, ठीक है, आप इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ चुकी है, ये पर्सन आपको जाता देख खुश नहीं है, इसका दिल रो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जर्नी थी, आपको आना था और ऐसे मेरी ज़िंदगी से चले जाना था, किसी को बता रहा है ऐसे ही इंसान मेरी लाइफ में आया था और ऐसे मेरी ज़िंदगी से अभी जा रहा है, बहुत सारी यादें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको मैं सारी ज़िंदगी शायद याद करूँगा, ठीक है, द टेम्पल पाथ, इस पर्सन को आपने स्पिरिचुअल कर दिया, इस पर्सन को आपने एक स्पिरिचुअल पर्सन, एक स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी क्या होती है आपने वो सिखाई, ये जानता है कि आपके दिल में आज भी प्यार है इसके लिए, ठीक है, आप कितना ही हाइट कर लें ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करता है,
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जस्टिस है, ठीक है, इसने आपके साथ जस्टिस नहीं करा लेकिन डिवाइन जस्टिस कर रहा है। कुछ चीज़ें ऐसे हो चुकी हैं शायद अब आप इस सिचुएशन में नहीं आना चाहते, कोई कंप्लीशन आ चुका है, द वर्ल्ड का कार्ड एक एक साइकिल एंड हो चुका है, आप लोगों के बीच कोई एंडिंग आई है। जिस पर्सन को ऐसा लग रहा है ये जो अब तक हुआ उसके बाद ये शायद एक जस्टिस डिवाइन का स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, द थिंकिंग मैन 24/7 सोच रहा है पास्ट को लेकर, एंडिंग को लेकर, कैसे आप इसकी लाइफ में आए थे। ये पर्सन बताता है कि मैं हर वक्त सोचता हूँ उस इंसान को लेकर, वो सोचों में मेरे हर वक्त रहता है, ऑल टाइड अप, बहुत ज़्यादा थक चुका है अपनी लाइफ से, इसकी लाइफ के स्टकनेस, इसकी लाइफ की स्टकनेस, इसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो थर्ड पार्टी का फैक्टर है ना वो तो इसने ऐसे ही बना लिया था, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, क्योंकि ये उस जिस वक्त आप इसकी लाइफ में थे कुछ डिसीजन लेने के मूड में नहीं था, ये जान चुका था आप एक प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा एक सेंसिबल पर्सन है जो फैमिली को लीड करना चाहेंगे, ठीक है। इसने थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में एंटर तो कर दिया था लेकिन इसकी ज़िंदगी में और भी लोगों की, और भी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी लोगों का, जिस वक्त आप इससे मैरिज और कमिटमेंट मांग रहे थे, एक फर्स्ट टाइम की बात कर रही हूँ, बाद में तो आपने इसको चेज़ करा है और इसने रन करा है, लेकिन जिस वक्त आप मांग रहे थे, ये कहता है कि मैं उस वक्त देने के स्टेट में नहीं था, मेरी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें थी जिनको मुझे सॉल्व करना था, ठीक है, इसके गोल्स हो चुके हैं, गोल्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्लो पर्सन है ये पर्सन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फेशन आसान नहीं है, स्लो इतना है, सोच समझ कर फूक फूक के कदम रखता है, ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान है, ऑल टाइड अप, थक चुका है अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से, बहुत ज़्यादा जैसे पीस नहीं है इसके पास, आपको जाता देख और ज़्यादा थक गया अपनी लाइफ से, ठीक है, क्योंकि आपके आने के बाद उसको एक एक पीस मिला था अंदर से, एक लाइफ में एक्साइटमेंट आई थी, इसको लगता था मेरा कोई वेट करता है, मेरा कोई ख्याल रखता है, लेकिन इसी को इसने क्या सोचा कि एक फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। इसको आपसे स्ट्रेस भी मिला है, आपने किसी तरीके का प्रेशर दिया है इसको, ठीक है, उस प्रेशर की वजह से ये आपकी लाइफ से भागा है, मैरिज का प्रेशर हो सकता है, कमिटमेंट का प्रेशर हो सकता है, इसको ऐसा लगा कि इसको कुछ टाइम बाद आपको कुछ देना पड़ेगा, कमिटमेंट कुछ करना पड़ेगा, लेकिन वो सब कुछ तो नहीं हुआ, आपकी एक जर्नी चली, लॉन्ग जर्नी चली, ठीक है, आप इमोशनली डिपेंड हो गए, ये आपसे रन करता रहा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखता रहा, इतने में कोई और भी इंटर हो गया, तो मतलब कि पूरी कहानी किसी ना किसी को पता है, सब बताता है, लेकिन ये जानता है कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं, आपकी वजह से इसने एक जर्नी देखी है, आपकी वजह से ये इसने स्पिरिचुअलिटी तक, इसने यहाँ पर एक टेम्पल पाथ तक पहुँचा है, स्पिरिचुअल इंसान, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, ठीक है, एक एक अच्छा इंसान क्या होता है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, थैंक यू।